अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, टेक्निकल सालिम में स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जियो कस्टमर केयर से बात कैसे करें। अगर आप जियो कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं दोस्तों। इसके लिए आपको आपके मोबाइल के डायलर पर जाना होगा, फिर आपको 198 पर आपको कॉल मिलाना है आपके जियो नंबर से। तो देख सकते हैं जियो सिम से मैं अपने कॉल लगा रहा हूँ, तो आपको सुनना होगा पहले। वेलकम टू जियो। पहले आपको सुनना होगा दोस्तों। वेट कीजिए। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.5 GB है, जो आपके 1.5 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है, और ये 21 अक्टूबर 2022 1:16 AM पर रिन्यू होगा। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस दोस्तों यहाँ मैं एक दबा रहा हूँ। नए ऑफर्स, रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। अपने आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए 4 दबाएं। यदि आपने नए जियो कनेक्शन के लिए फिर से एक दबाया। रिचार्जेस और प्लान्स के लिए 1 दबाएं। 4G डेटा वाउचर, नए वर्क फ्रॉम होम पैक और डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लान के लिए 2 दबाएं। अपने वाउचर्स के बारे में अधिक जानने के लिए 3 दबाएं। ISD, इंटरनेशनल रोमिंग, टॉप अप्स और अन्य पैक्स के लिए 4 दबाएं। जियो ट्यून्स के लिए 5 दबाएं। जियो फोन नेक्स्ट, जियो फोन 2021 ऑफर, जियो क्रिकेट प्लान, नए वर्क फ्रॉम होम पैक और जियो फाइबर की जानकारी के लिए 6 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। दोस्तों सलाहकार यानी कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाने के लिए कह रहे हैं, मैं कर देता हूँ। आप अगर 9 दबाएंगे फिर आपका कस्टमर केयर से बात हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले नए वीडियो के साथ।